कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उनका जवाब आप मेरे प्यारे से भाई, मेरे प्यारे बहन और जो भी एज में बड़े हैं उनसे करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर देना, ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा खास है, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो रोज़ क्वेश्चन आप करते थे, आज क्वेश्चन मैं करूँगी, आंसर आप लोगों को देना है। और कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे उनके रिप्लाई दूंगी, जिन्होंने आंसर दिए उनके भी रिप्लाई दूंगी। पहली बात तो मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं एक मिनट का वीडियो वॉच नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा मत किया कीजिए। तो दूसरी बात ये बता दूँ कि आज क्वेश्चन मैं जितने भी करूँगी उनका आंसर जो भी देगा उसको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना नाम लूँगी, और मतलब उनका नाम लूँगी मैं। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने मतलब किस चीज़ को आप मेरे व्लॉग में ज़्यादा देखना पसंद करते हो, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि कुकिंग है या फिर बातें करना है या कोई काम बताते हैं घर का, वो है क्या है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो व्लॉग का करते हैं स्टार्ट आज। वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग्स चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे से भाई और बहनों, आप हमेशा खुश रहोगे, मैं दुआ करूँगी अपने गॉड से, भगवान से। तो आज गुड इवनिंग बोल सकते हो आप, गुड इवनिंग भी नहीं है अभी तो, जैसे कि 1:00 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। तो मैं जस्ट सब अपना काम फ्री करके, सिर्फ मुझे सब्जी बनानी है, सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स के साथ, जो कि बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से बन भी जाती है। तो आज मैं बैठी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि अदिति देख रही है अंदर टीवी और नन्नू सो गई थी, तो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग ही कर दूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, रीज़न है यहाँ पर बैठने का भी, मैंने अभी यहाँ पर खीरे के पेड़ लगाए हुए हैं कुछ, तो वो क्या हो रहा है कि गिलहरी आ रही है, गिलहरी और खीरों के जो पौधे हैं ना छोटे छोटे से, तो उनके पत्तों को काट काट के उस पौधे को काट काट के पटक के जा रही है। अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस पर कि अगर एक बार मेरे हाथ पड़ जाए ना तो उसकी चटनी बना दूँ, सच्ची में कसम से ले मैं। तो चक्कर ये पड़ रहा है, वो आती है पौधों को काटती है, काट के पटक के वहीं चली जाती है, तो इतना नुकसान कर रही है ये। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार हाथ पड़ जाए, एक डंडा पड़ जाएगा ना उसके, तो फिर वो नहीं आएगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। इतनी रखवाली तो ना मेरे को मकान की, अपने मकान की या फिर अपने बच्चों की या फिर क्या बोलते हैं, पहले जब हम छोटे थे, जब गाँव में जब पढ़ते थे, तो इतनी रखवाली करने के लिए पापा मम्मी या दादा दादी हमको मैंगो जो आम का पेड़ होता है उसकी रखवाली करने के लिए भेजते थे मम्मी पापा, तो वहाँ पे जाना पड़ता था। उतनी रखवाली तो हम उसकी भी नहीं करते थे, वहाँ पे हम किलकौआ खेलते थे और जो क्या बोलते हैं उसको, जो आम के पेड़ में चढ़ के खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे बताना आप लोग, ठीक है? तो वो खेलते थे और आम के पेड़ के ढालों के लटक लटक के झूलते थे, मतलब उसकी रखवाली करने जाते थे तब तो, और खूब कैरिया तोड़ तोड़ के खाते थे, ठीक है? तो इतनी रखवाली उस टाइम मुझे नहीं करनी पड़ी थी जितनी मुझे अब उन पौधों की करनी पड़ रही है। अगर उसके एक बार भी छोटी सी भी लग जाएगी ना, मतलब ऐसे मारने वाली नहीं, धीरे से उसको डरा भी देंगे ना तो वो पौधों को छोड़ देगी, क्योंकि मैंने पौधे ये लगाने के लिए घर से मैं सीड्स लेके आई थी, बहुत मेहनत करी है, खाद लेके आए थे, फिर उसको लगाया है, उसकी रखवाली करी है, उसको मतलब पानी देना सुबह शाम, उसका ध्यान रखना बहुत मेहनत होती है पौधों की, बच्चों की तरह पे। तो मैं उसी को देख रही थी यहाँ पे बैठी बैठी, एक बार तो वो पड़ गई पर उसके मतलब मेरे को दिख गई पर उसके पड़ी नहीं है अभी बिल्कुल भी। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे से भाई और बहन हैं यूट्यूब पे जो कि इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चन किए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं मुझे, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में दूंगी उनके आंसर। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी अगर आपकी पकती नहीं है लौकी अच्छे से, अगर आप फ्रिज में रख देते हो, उसके बाद क्या होता है कहीं कहीं की लौकी पकती नहीं है अच्छे से, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखना है मसाला। मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, एक टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, और मैंने जो लौकी थी उसको कम से कम आधे एक घंटे पहले मैंने इसको काट के रख दिया है, और काटने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मैंने डाल के रखा है नमक। नमक के बाद आप देख सकते हो, हल्दी और नमक के बाद इसने कितना सारा पानी जो है इसके अंदर छोड़ दिया है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गई है पहले से, पहले काफ़ी हार्ड थी, मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था। कई बार होता है ना कि सब्जी वगैरह रखे रखे ऐसे हो जाती है, टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए, तो अभी मेरे को टाइम मिला इसको बनाने के लिए, तो इसको क्या किया नमक और हल्दी डाल के रख देना है। आपको ध्यान रखना है कि नमक आपने इसमें भी डाला है, तो मसाला करते हैं तैयार। तब तक तो आपको डालना है मसाले में थोड़ी सी एकदम बिल्कुल कम हल्दी, क्योंकि हल्दी अपन ने ऑलरेडी उसमें डाल दी है, और उसके बाद डालना है आपको इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल लो। उसके बाद डालना है आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो लौकी की सब्जी होती है वो थोड़ी सी मीठी मीठी सी होती है बिना लाल मिर्च के। उसके बाद आपको करना है इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर वाला, जो ज़्यादा ज़्यादा कलर होती है मतलब उसमें वो वाली, और नमक का आपको ध्यान रखना है, नमक पहले से ही डाल दिया है तो नमक नहीं ऐड करेंगे इसमें, इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे आपको इसमें पानी डाल के रख देना, तब तक ये जो मसाला है वो फूल जाएगा अच्छे से।
तो यहाँ पे जो आपका मसाला घुला हुआ रखा है इसमें रखा इसमें डालना है मुझे इतनी सी हींग, ताकि इससे अच्छा टेस्ट आ जाए। अब इसको तोड़ना पड़ेगा तो मैं इसी में गलाने के लिए डाल दूंगी, ताकि ज़्यादा इसको तोड़ फोड़ ना करना पड़े। तोड़ते हैं तो इधर उधर भाग जाती है हींग, तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है इसको। सब्जी को बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें ऐड कर लिया है, ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है क्योंकि सब्जी आपकी बहुत कम ऑयल में बन जाएगी। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा, उसके बाद इसमें ऐड करना है लहसुन और थोड़ी सी अदरक, और इसको मोटा ही चॉप करना है आपको, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आए थोड़ा सा। उसके बाद में आपको ऐड करना है हरी मिर्च, और उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। सब्जी में ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ करने के बजाय आप हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ कीजिए, ताकि आपके पेट के लिए भी अच्छी हो और आपकी सेहत जो होती है वो भी अच्छी होती है इससे, हरी मिर्च से। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ऑनियन और इनको पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो मसाला है वो हल्का सा पक चुका है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे अब मसाला। ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले को जलाना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब इसको पका लेना है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मसाला अच्छे से पक चुका है, तो इसको चेक कर लेंगे एक बार। देखो ऑयल छोड़ दिया है इसने बहुत ही अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड करना है आपको लौकी, और इस लौकी के अंदर इतना सारा पानी निकला है, मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था, नमक और हल्दी के पानी से इसने इतना सारा पानी छोड़ दिया था। तो सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर अपन। अगर आपको थोड़ी सी सब्जी पतली बनानी है तो उस पानी को आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, और सूखी बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी आप इसको काम में दे सकते हो। यहाँ पे जो सब्जी है वो देख लेते हैं कैसी हो गई। तो इस तरीके से अभी हो चुकी है, तो इसके अंदर आपको ऐड कर देना है टमाटर, ताकि टमाटर को भी गलने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर अपनी जो सब्जी है वो बनके हो जाएगी रेडी बिल्कुल, और बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से ट्राई करना आप एक बार, और साथ के साथ बन रही है मेरी चपाती। एक रोटी बच रही है लास्ट, बस इसको सेकना है। आजकल मेरा मीठा और खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये मैंगो वाली बर्फी जो बनाई थी एकदम मस्त बनी कसम से, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। और मैंने एक इससे पहले जो ब्लॉग गया था उसमें पूछा था कि हाउ मेनी टेरिटरीज इन इंडिया, अदिति ने पूछा था वो क्वेश्चन, तो उसमें तीन लोगों ने सही जवाब दिया था। एक तो साक्षी मंच करके थी, यूट्यूब से ही है, उन्होंने सही जवाब दिया था कि 8 टेरिटरीज होती है इंडिया में, और एक आकाश मीना करके हैं भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि इंडिया में 8 टेरिटरीज है। सिर्फ कम से कम 2000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया था सही, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स बड़ा किया करो, कुछ अच्छा लिखा करो, ताकि उसको पढ़ने में मुझे खुशी हो। और जो लोग बड़ा कुछ मतलब सवाल मतलब वो करते हैं कमेंट्स, उसको पढ़ के ना बहुत अच्छी एक फील होता है मतलब माइंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी बर्फी खत्म कर दूँ, आप लोग भी खाना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मीठा मुझे बहुत पसंद है, लिमिट से ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच आकाश भाई और साक्षी मंच दी, आप लोगों ने अंतिम क्वेश्चन का आंसर दिया। इसी तरीके से आप लोग भी जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर दिया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आपका नाम ले सकूं। तो साथ में सब्जी देख लेते हैं, सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पे सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, सब्जी थी मेरी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा इसका जो कलर आया है, और बनके हो चुकी है तैयार। तो गैस को कर देंगे बंद और डाल देंगे धनिया, और बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ट्राई करना एक बार। कर रहे हाय बाय, अभी हो चुका है शाम का 5:30 टाइम, और हम लोग थोड़ी सी जो है पेड़ों की कर रहे हैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज किया है पौधों का, क्योंकि आज सुबह गिलहरी बहुत ज़्यादा खा रही थी इनको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किया है हमने। हाँ और फिर फालतू के काम कर रहे हो ना आप, क्यों दीदी
बोतल मतलब क्या नीचे। आप लोगों को बताते हैं, एक पका हुआ मैंगो ये रहा बिल्कुल येलो येलो। अभी हो चुका शाम का टाइम और हम लोग अभी खाना वगैरह जस्ट खा के फ्री हुए थे। दिन में पूरी क्लीनिंग वगैरह की थी, छत पे जो भी गंदा पड़ा था वो छत को वॉश किया था अच्छे से। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए, और उसके बाद जाऊँगी अपना काम करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करूँगी और छोटा मोटा जो काम बच रहा है वो करूँगी। खाना खाने के बाद कम से कम हाफ तो क्या, पर आधा घंटा या एक घंटा आपको वॉक करना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कितना कर सकते हो, मैं आधे घंटा कम से कम कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपना जो बाकी का काम है उसको ख़त्म करके जाऊँगी सोने के लिए। और इस ब्लॉग का क्या चीज़, क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, और जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना है। और मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। आज हमने पूरी छत को, पूरे प्लांट्स को, सारी चीज़ों को हमने किया था क्लीन। और शाम के टाइम हमने आज बहुत ज़्यादा काम किया था क्योंकि छत पे इतना सब कुछ गंदा पड़ा था, इधर लकड़ी वगैरह पड़ी थी तो उनको सही लगाया था। और एक मेरे बहुत प्यारे से सुरेंद्र भाई है, उन्होंने मुझे अपनी बहन माना है, उन्होंने मुझे एक साड़ी भेजी थी, बहुत ही अच्छी साड़ी थी उनकी। बट सॉरी भाई, मैं वो साड़ी घर पे छोड़ के आ चुकी हूँ क्योंकि उसका ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी तैयार नहीं हुआ था, फॉल वगैरह। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब पक्का लेके आऊँगी। जो ये मैंगो का पेड़ अभी दिख ही नहीं रहा है रात में, तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप लोग इस मैंगो के पेड़ को देखते रहते हो तो इस मैंगो के पेड़ को आप खरीद लो। बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसका भी वो है वो क्यों बेचेगा हमको। और दूसरी बात, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे उनका रिप्लाई आप लोग बहुत अच्छे से देना, ओके। तो ब्लॉग का करते हैं एंड। थोड़ी देर छत पर वॉक किया था क्योंकि खाना वगैरह बहुत ज़्यादा खा लिया था आज, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, रायता बनाया था और चपाती बनाई थी और राइस बनाए थे थोड़े से। राइस बहुत बहुत यम्मी बने थे, बिल्कुल प्लेन राइस थे बट हल्का सा घी में छौंका लगाया था। और अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, पहले उससे पहले करूँगी फेस का स्किन केयर रूटीन, उसके बाद गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।